दरभंगा के हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र में हरा भरा पीपल का पेड़ कट रहा था और कटने के बाद जो लोड होने के लिए जा रहा था, इसके बाद ग्रामीणों की नजर पड़ी और ग्रामीणों के द्वारा हंगामा किया गया। ग्रामीणों के द्वारा यह हंगामा किया गया कि ग्रामीणों ने मांग किया कि जो लोग इसमें हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और उन्होंने एक आवेदन मीडिया के सभी लोगों को भेजा था। जो आवेदन मुझे प्राप्त हुआ था उस अनुसार कहा गया है कि हायाघाट चिकित्सालय के प्रांगण में हरे भरे पीपल के पेड़ बिना अनुमति के चिकित्सा प्रभारी हायाघाट एवं आवेदन में चिकित्सा प्रभारी और स्वास्थ्य मैनेजर के ऊपर आरोप लगाया गया कि मिली भगत से ये पेड़ काटा गया है। बवाल भी हुआ, थाना पर मामला पहुंचा, काफी लोग वहां जमा हुए। इस आवेदन में श्री कृष्ण सिंह, नीरज कुमार यादव, इसके बाद खासकर नीतीश कुमार, गणेश सिंह, धीरेन्द्र मोहन यादव और एक और नाम है जो समझ में नहीं आ रहा। बता दें कि विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। लगातार भारत समाचार आपको सभी खबरों तक एक दिखा रहा है। और महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से हमने बात किया तो इस मामले में उन्होंने कहा कि कोई आवेदन ही नहीं पड़ा था। और ये जो है, खासकर अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और पक्ष सुनाते हैं जो स्वास्थ्य मैनेजर हैं हायाघाट के, श्याम कुमार यादव ने क्या कहा है। देखिए, इस बीच में हुआ क्या, जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत विशेष टीकाकरण कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज शनिचर को हम कार्यालय से निकले तो जिला से इन्फॉर्मेशन हुआ जो आपके यहाँ इनॉग्रेशन जिला पदाधिकारी महोदय करेंगे। रविवार को पूरे दिन मेरा उसे इनॉग्रेशन का तैयारी में चंदन पट्टी में लग गया। सोमवार को डीएम साहब आए और क्षेत्र में काम चल रहा था, शाम तक हम उधर ही रहे। मंगलवार को समीक्षात्मक बैठक में यहाँ एएनएम के साथ डाटा सबका इवैल्यूएशन करने के लिए आए। एएनएम सबको सभी को बुलाए थे, लंबा समय तक हमको शाम तक उसी डाटा में कंटिन्यू लग गया। उसके बाद नेक्स्ट डे बुधवार को हमारा जिला में मीटिंग था, बृहस्पतिवार को भी हमारा जिला में मीटिंग था। उस मीटिंग में हमको सूचना मिली तो हम यहाँ आए। जो कुछ ये हुआ चुक हुई है थोड़ा, जो पीछे में कचरा पता चला, जो पीछे में जो कचरा है वो दीवार पर पेड़ था, उसको हमारे यहाँ कोई स्टाफ या पदाधिकारी लोग से निर्देश दिया गया तो काट दिया, तो ये चूक हुई है। इसमें हम लोग पहले इन्फॉर्मेशन करते, इसका निर्णय करते, लेकिन यथावत स्थिति में जब हम आए थे इसे हमको जानकारी ही नहीं थी, हमको पता चला। अब उस पर यहाँ आपत्ति जनता को, कुछ लोगों को हुआ तो उस पर जाँच की प्रक्रिया चल रही है। जो इसमें इस तरह की भूल हुई है तो उसकी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी हमारे हैं, इस तरह का मार्गदर्शन देंगे। लेकिन मुझे संज्ञान में नहीं था, उसी के कारण हमने यहाँ के जो हमारा गार्ड है हम उसको स्पष्टीकरण भी पूछा है। जो आपने अगर किसी तरह की बात, यहाँ पेड़ कट रहा था या कोई लेबर काट रहा था तो आपने सूचना क्यों नहीं दी, जबकि मैनेजर साहब कंटिन्यू इस बीच में फील्ड में लगे हुए थे और जिला के मीटिंग में थे। तो यहाँ सूचना मिलनी चाहिए। गार्ड की मिली भगत हो सकती है क्या, क्योंकि जिस तरह से आपके ऊपर और प्रभारी जी के ऊपर लग रहा था, चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर आरोप लग रहा है, डायरेक्ट आवेदन दिया जा रहा है उसमें आप लोगों का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें आप क्या मतलब कैसे अपने आपको ये कर रहे हैं? नहीं, हमारे देखिए, हम तो इंस्टीट्यूशन में हेल्थ मैनेजर हैं, ऑल इन ऑल हमारे यहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं। हमने जब आए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से पूछे जो सर ये पेड़ कटने का निर्देश कौन दिया, उन्होंने बोले जो कि हमने नहीं दिया है। अब हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं जो नहीं हम दिए, और उनका कोई कहना है तो जो लड़का काटा उसको थाना में पकड़ करके ले गया था, तो नाम किन्हीं का तो बताया होगा। लेकिन हम इसमें अनभिज्ञ हैं, मुझे जानकारी नहीं है और न स्टाफ के द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन किया गया जिस तरह की घर पेड़ कट रहा है, न यहाँ जो सुरक्षा गार्ड जो हमारे यहाँ 24 घंटा रहता है उनके द्वारा दिया गया। तो सुरक्षा गार्ड को हमने स्पष्टीकरण पूछा है कि 24 घंटा के अंदर में जवाब दो, तो तुमने उस चीज़ का क्वेरी किया, अगर कोई आदमी को ठीक है पदाधिकारी ने परमिशन दिया तो गार्ड का काम है उनसे पूछना। आपके परिसर से जो भी आपके परिसर में है वो अगर सामान इधर से उधर होगा तो किससे पूछना पड़ता होगा? इस समान यहाँ जो स्थिति होता है तो प्रभारी सर या मैनेजर साहब डिसीजन लेते हैं, दोनों आदमी आपस में बात करके और सलाह लेकर के। यहाँ कुछ कचरा भी है, कबाड़ा भी है, जो इस कचरा जो फेंकने केंद्र का है, गाड़ी है, जो लोहा है वो सब लोहा तो हमारा जो है वो लिस्टिंग है, सपोर्ट से खराब है, वो लिस्टिंग है, कब तक हटाना है? और ये इसमें व्यवधान ये है इसका ऑक्शन हमारे जिला से करना है, हम लोग को उतनी पावर नहीं है, तो हम लोगों ने लिस्ट बना करके जिला मांगा था, जिला को बना करके वीडियो भी बना करके भेज दिए हुए हैं और पता चला जो जिला से भी नहीं राज्य स्तर से ही इसका टेंडर होगा, तो राज्य स्तर के लिए हम लोगों ने यहाँ से उसका वीडियोग्राफी करके सूची बना करके जिला को सौंप दिए हैं। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा उसमें आवश्यक मामले सर 10-12 हज़ार रुपये का वो पीपल का पेड़ होगा, लोग बता रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि हिंदू धर्म में काटा नहीं जाता है, तो आप कैसे खेत पर करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो पहले स्वीकार कर रहे हैं, जो अगर कोई चीज़ कहीं है तो नियम संगत कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कार्य होनी चाहिए, चूक हुई है यहाँ, इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं और उसी के करीब में हमने इस दिशा में स्टाफ से भी स्पष्टीकरण पूछा है
कि अगर मुझे जानकारी मिलती तो हम निश्चित तौर पर उसको रोक देते। बाहरी भी कोई तत्व है यहाँ पर लगे हुए या सिर्फ वार्ड इसके ही हॉस्पिटल के? इंस्टीट्यूशन ये अस्पताल है, पब्लिक का तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो हम जो एम्प्लॉय हमारे अधीन जो काम कर रहे हैं, हम लोग जिस सहयोग से काम कर रहे हैं, तो हमारा तो पहले इन लोगों पर हमारा जाएगा। हम बाहरी पब्लिक से तो नहीं पूछ सकते। अगर ये बात हो गई है तो आप क्या मांग करेंगे? खासकर जो लोग यहाँ पर पीपल का पेड़ काट कर ले जा रहे थे, वही सामने आए हैं, मजदूर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं जो भी हों, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे होनी चाहिए। क्या नाम हुआ? श्याम नारायण। कौन है आप यहाँ पर? स्वास्थ्य।